हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज हमारी आज़ादी को 70 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारा समाज कुछ ऐसी समस्याओं से उलझा हुआ है जिनसे हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। कुछ ऐसी समस्याएं जिन्हें हम बहुत छोटा समझ बैठे हैं, कुछ ऐसी समस्याएं जिन्हें हम रोज इग्नोर कर देते हैं और उसके लिए आवाज नहीं उठाते हैं। तो ऐसी एक समस्या है जिसके लिए हमने आवाज उठाई है, सो हियर इट इज। सॉरी की बात नहीं है, सॉरी का मतलब है नहीं करोगे, वापस थोड़ा ना नहीं करो, अब नहीं करूंगा मैं ना, अब मुझे पता हो तो मैं नहीं करता हूं। ऐसा होता है, रहन दो यार, अब ये तो बात करो मत के पता नहीं तुम्हें। सारे यही करते हैं, बराबर होता है। क्यों क्यों हल्का कर क्या रहे थे, कहना क्या चाहते हो? नहीं आप करने क्या कह रहे हैं यहां पे, नोट डाल लो। हां जी यार, मैं वॉशरूम कर रहा था। वॉशरूम तो वॉशरूम में होता है ना। हो गए। हां भाई क्या हो रहा है, इधर आ जाएगा, मतलब पब्लिकली कहीं भी खड़े हो गए, कहीं भी खड़े हो गए। क्या कर रहा था भाई, पेशाब क्यों कर रहा था, क्या कर रहे थे? करने की जगह है, करने की जगह है, ये आ जाएगा। हैं मेट्रो स्टेशन किसमें हो? ना हां भैया, सीएसएफ वाले हो? यहां से। हैं हां तो जिस भी गली से है, मेट्रो स्टेशन सीएसएफ के हो क्या? हैं सीएसएफ के हो? वो पंगा नहीं लेना चाहिए। तो आप पोजीशन में तो सर, अंकल सर वहाँ पे वॉशरूम है सर, आप प्लीज ऐसी बात कर रहे हो। आप वैसे भी भाजपा मोदी जी सपोर्ट करते हो, तो प्लीज उनकी भी बात को थोड़ा सपोर्ट करो ना। हाँ सेक्टर 10 की मार्केट में देखो, कोई भी सुलभ नहीं। सेक्टर 10 की मार्केट में ले चलो, और मिल गया तो एक भी पब्लिक टॉयलेट, हाँ मिल गया तो 10 में। गवर्नमेंट ने ना अलाउ कर रखा है, किसी भी रेस्टोरेंट में कहीं भी जाके तुम टॉयलेट कर सकते हो, और अगर कोई मना करे 2-3 रुपए से ऊपर कोई नहीं ले सकता, ज्यादा तो 10 रुपए। इतना तो कमाते हो, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए, और 10 रुपए की जरूरत नहीं। और तुम्हारे पास तो बाइक है ना, ठीक है, तो किसी और की होड़ मत कर, तुम अपनी होड़ देखो, ठीक है, तुम अपना। कहाँ आपका घर? मैंने गलती मानी, हाँ जी ठीक है, मैं सॉरी, बस नहीं सॉरी बोलने के लिए 5,000 रुपए का फाइन है लिटरिंग का और पब्लिक यूरिनेशन का। वो ठीक है लिटरिंग, लेकिन पब्लिक प्लेसेस में होता है ये, पब्लिक प्लेसेस। अच्छा ये पब्लिक पब्लिक प्लेस में पब्लिक यूरिनेशन का मतलब पता है आपको? पब्लिक यूरिनेशन का पता है मेरे को, लेकिन एक बात बताओ, एक होता है, एक मान लो जबरदस्त मेरी बात तो सुनो, ठीक है मेरी बात सुनो, अगर कोई पर्सन है और देखो अगर कोई लेडीज तो है नहीं है, ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर कोई मान लो आता है और वो इमरजेंसी है तो वो ये देखेगा कि हाँ आसपास, पर मैं बता रहा हूँ इमरजेंसी देखनी है ना, मेट्रो स्टेशन वहाँ पे है। अरे एक बार मेट्रो स्टेशन में 2 रुपए लगते हैं सिर्फ। अरे भाई मैं मानता हूँ, ठीक है भाई, ये सब मानता, बट यही करेंगे पर करेंगे यही पे। जिस भी गली सरकार के होके मतलब हरकत कर रहे हो, ठीक है भाई, इन करना था इसलिए, इन तो नहीं करते, इन भी किया, इन भी तो यार, इन शाम के घर ही जा रहा है, इन भी करना था इसलिए। वो देखो वो मेट्रो स्टेशन पता नहीं, 2 रुपए लगते हैं यार, और वो आगे पेट्रोल पंप फ्री में। नहीं नहीं अरे वो तो घर में भी मिल जाएगा, घर में भी मिल जाएगा, यार रुक जाते हैं यहाँ पे तो करना है। अरे इन करना था, करना था तो छिड़काव कर दो, कुछ बहाना मत मारो यार, ठीक है जबरदस्ती मत यार बहाना, बड़े लोग हमसे ज्यादा समझदार हो क्या? ठीक है ठीक है। अच्छा चाहे उसका खुद ही सर बताओ, मुदने जा रहे थे ना? नहीं मैं देख रहा था। दिल्ली में 6-7 साल से, 6-7 साल से हो, मेट्रो के बारे में पता है? मालूम है सर, मेट्रो के बारे में मालूम है, मानता हूँ सर, उठक बैठक लगा लेता हूँ सर, बहुत अर्जेंट थे, साइकिल से जा रहा था। आपको पता है हर मेट्रो स्टेशन पे सुलभ है? हाँ सर है। हाँ तो मेट्रो स्टेशन कहाँ पे है, कितना दूर है मेट्रो स्टेशन? सर वास्तव में अर्जेंट लगी हुई थी। अरे नहीं मेट्रो स्टेशन कहाँ पे आपको? थोड़ा आगे 10-5 मिनट भी नहीं लगते मुझे जी। देखो ये सुलभ में, देखो सुलभ में 2 रुपए लगते हैं सिर्फ, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं। मैं साइकिल से जा रहा था, अर्जेंट में था, मेरा दर्द हुआ एकदम, इसलिए मैं खड़ा हो गया, ठीक है ठीक, वरना मैं साइड भी पकड़ता। आपकी गलती मानता हूँ मैं, मैंने आपकी गलती मानता हूँ मैं, मैंने खुद गलती करी है। हाँ ओके शपथ ले, एक शपथ ले लें, शपथ ले लूंगा। लेकिन दीप कुमार ठीक है मेरे पीछे पीछे बोल रहे, लेकिन सर अरे नहीं ये आपकी शक्ल हम हटा देंगे इसमें से, हटा देंगे सर प्रॉमिस। हाँ हाँ शक्ल हट जाएगी, शपथ ले लूंगा। क्या नाम क्या बताया? दीपक, दीप कुमार, दीप कुमार बोले। मैं दीप कुमार, मैं दीप कुमार अपनी मर्दानगी की कसम खाता हूँ, अपनी मर्दानगी की कसम खाता हूँ कि आज के बाद, आज के बाद बाहर कभी भी नहीं मूतूंगा, बाहर कभी नहीं मूतूंगा, और अगर गलती से पकड़ा गया, गलती से पकड़ा गया तो चुल्लू भर मूत में डूब के मर जाऊंगा, चुल्लू भर मूत में डूब के मर जाऊंगा, कुछ भी हो, कुछ भी हो, और अगर मुझे कोई भी दिखे, कोई भी दिखेगा मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा, रोकने की कोशिश करूंगा, और स्वच्छ भारत का सपना, स्वच्छ भारत का अभियान सपना पूरा करूंगा।
बढ़िया लेकिन सर फोर्थ नहीं, क्या नाम बताया था आपने? नरेंद्र। मैं नरेंद्र शपथ, बात आगे करो यार। मैं नरेंद्र अपनी कसम खाता हूँ कि आज के बाद बाहर कभी भी नहीं लूटूंगा और ना किसी को मोटा, और अगर कभी गलती से पकड़ा गया बोलो तो गलती से बोलो तो आवाज है ना, तो चुल्लू पर मूठ में डूब के मत रहूँगा। नहीं क्या बोलो 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 बोलो, ये शर्म की बात है हम सबके लिए, हम यहाँ पे रहते हैं और तुम सब कुछ गंदा कर रहे हो। वो अरे हाथ कीजिए, कोई गलत काम नहीं हो रहा भैया, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, इसमें डरो मत। डरना था मूतने से पहले? हाँ तो चार आदमी आके जूत मार जाएंगे। आपने गलती करी है, आपको ये मेरी खिड़की बंद करेगा? खिड़की तो कुछ भी नहीं कर रहा है, खिड़की बंद कर रहा है। कैसे खिड़की बंद करी? दादागिरी आपकी है, आपकी है। क्या किया मैंने बताओ, क्या किया? पब्लिक नहीं किया मैंने, रिकॉर्ड किया मैंने, रिकॉर्ड कर लिया, डाल दे जहाँ डालना है। हम क्यों डाल दे जहाँ डालना? डाल देंगे, ज्यादा दिमाग खराब ना कर, गलती करी है ठीक है ना, मानो उस बात को। बाहर खुले में टॉयलेट कर रहे हैं, धक्का मुक्की तू कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। वो रहा। गाड़ी ये रहा, ये इधर वो है। सुन मेरी बात। हाँ सुनाओ भैया, ऐसा है ना, देख मेरी बात सुन, सरकार को बता कि शौचालय बना ठीक है, मैं 50 मैं यार किसी को तो बुलाऊंगा, फाइन का पैसा तो देगा, फाइन का पैसा तो देगा, लोगे ना पहले हैं क्या? काट दे वीडियो, काट ही रहूंगा बाद में, किसको बुला के क्या करना है? चल गया। हां जी सर निकल। हां जी थैंक। हेलो लगेंगे काम में, जा भाई तू एक मिनट, अब रुक जा, जा जा बुला, किसको बुलाएगा बुला दे, निकल जा यहां से, अभी रुक जा, यहां आ जा। हां बिल्कुल, देख ये इधर वीडियो बनाए लड़की की। हाँ बनाई, यार पूरे द्वारका में साला दो नंबर का कांड होता है झाड़ियों के पीछे, यार मैं बता दूं तो। हाँ तो फिर होने दो, हमने ठेका ले रखा, तो तुम उसकी भी वीडियो बना लो फिर। हाँ तुम बना लेंगे, जिस दिन हमारा मन करेगा बना लेंगे। एक सेकंड, मेरी बात सुनो क्या, अगर किसी को टॉयलेट लगी, मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, टॉयलेट लग गई किसी को, टॉयलेट लग गई, नहीं पहुँच पाया तो तुम नहीं पहुँच पाया, पैर का खराब रखे हैं ठीक है, अभी तो इतना बूढ़ा भी नहीं है। अरे तू ये पता है इसको क्या प्रॉब्लम है अंदर? क्या प्रॉब्लम है अंदर?
तुझे पता है इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? इसकी किडनी है खराब है। अच्छा फिर एक तो सही है ना, लोग दो दो किडनी खराब के बाद भी नहीं मुद्दे सकते। मेरी बात सुन ले। वो मैं आपको एक दीनी तरीके से बता रहा हूँ, ये कानून गलत था, ठीक है? तो उसमें यही है, ठीक है बच्चे? सो गाइस, जैसा आप लोगों ने देखा, हमने काफ़ी लोगों को रोकने की कोशिश की, कुछ रुके कुछ नहीं, कुछ के हमने एक्सक्यूजेस भी सुने और कुछ को ये सब बहुत फिजूल लगता था। लोगों को हमारा इनिशिएटिव काफ़ी पसंद आया, बट यहाँ बात पसंद या नापसंद आने के लिए है। यहाँ पे बात हो रही है सफाई की, जो हम इंडियंस को कुछ खास रास नहीं आती। यहाँ पर लोगों को गंद फैलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और अगर उन्हें रोकने जाइए तो वो सरकार और प्रशासन पर ब्लेम डालते हैं, बट वो ये नहीं समझते सरकार अपना काम कर चुकी है और अगर अब हमें मूत्र से मुक्ति पानी होगी तो हमें अपने कदम खुद ही बढ़ाने पड़ेंगे। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके देखते हैं, उन लोगों का एग्जांपल जिन्हें हम कॉन्स्टेंटली इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देते रहते हैं। लड़कियाँ, जी हाँ, क्या आपने कभी किसी लड़की को खुले में शौच करते हुए देखा है? नहीं, नहीं। तो अगर वो इन्फीरियर लोग कंट्रोल कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। और अगर बाहर कोई मूर्ता हुआ मिला तो हमें इसे रोकने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और एक और बात, बाहर मूर्ते हुए दिख गए तो गांड मार लेंगे। माइंड दैट, गांड मार लेंगे, ठीक है ना, समझ गए?